कोलकाता के सीआर एवेन्यू स्थित इस्लामिया अस्पताल पूरी तरह से डेंगू और मलेरिया के रोगों के इलाज के लिए तैयार है। पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता शहर में डेंगू और मलेरिया के कारण कई लोगों की जानें जा रही हैं और कई लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। और इसी बीच आज इस्लामिया अस्पताल की ओर से एक ऐलान किया गया है कि इस्लामिया अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के रोगों के लिए 18 बेड रिजर्व किए गए हैं और उन्हें डेंगू और मलेरिया का पूरा इलाज मिलेगा। इस्लामिया अस्पताल के हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रुहेल आलम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनवर जमाल और न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस आई सादिक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले दिनों हमारे अस्पताल के प्रेसिडेंट और कोलकाता के मेयर फिराद हकीम ने कहा था कि डेंगू और मलेरिया के रोगियों के इलाज के लिए इस्लामिया अस्पताल को अलर्ट रहने को कहा गया है और उनके आदेशों के अनुसार आज हम लोग ये ऐलान करते हैं कि अब से यहाँ पर डेंगू और मलेरिया के रोगों का पूरा इलाज होगा और वो भी स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए, अर्थात किसी भी रोगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है तो उनके लिए भी हम रोगी को एडमिट करने के बाद कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी KMC के हेडक्वार्टर से स्वास्थ्य साथी कार्ड बनवा देंगे। जी सर, क्या आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनवर जमाल हूँ, मैं अभी इस्लामिया के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मिस्टर रोहिल ने बताया कि हम लोगों ने इसको बुलाया है ये बताने के लिए कि हम लोग डेंगू पेशेंट रिसीव करने के लिए एकदम वेल प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग के पास एडिक्वेट बेड्स है, एडिक्वेट स्टाफ है और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम लोग इससे आगे भी पेशेंट्स ले रहे थे एडमिशन डेंगू पेशेंट के, और फर्दर रेडी हैं कि अगर एक्सेसिव लोड आ गया तो उसको भी हैंडल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी के लिए हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाया। डेंगू मलेरिया का लगभग अभी 8 से 10 पेशेंट हम लोगों के पास अभी है। और कितने डेडिकेटेड बेड हैं? डेडिकेटेड बेड हम लोगों ने 18 बेड रेडी किया है और जनरल में भी अलग से रेडी है, 18 आइसोलेटेड बेड हम लोगों ने रेडी किया ओनली फॉर डेंगू एंड मलेरिया। सपोज पेशेंट अगर ज्यादा हो गया, मोर देन 18, स्टिल हम लोगों के पास स्पेस एंड बेड दोनों अवेलेबल है ताकि हम लोग अगर फर्दर एक्सटेंशन कर सकते हैं उसको। इस्लामिया हॉस्पिटल इज प्रॉपर्ली रेडी फॉर द टू फाइट विद डेंगू एंड वी आर रेडी टू रिसीव एनी नंबर ऑफ केसेस। कितने पेशेंट सहतियाब होकर गए यहां से डेंगू के? हम लोगों का डेंगू का 100% सक्सेस रेट है। आपको हम लास्ट एक एपिसोड बता रहे हैं, एक पेशेंट ये आए थे हम लोगों के पास, मोहम्मद मुश्ताक साहब, गार्डन रीच के रहने वाले, ये डेंगू के एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस में आए थे। इनको जॉन्डिस भी हो गया था डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस में, इनकी ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गई थी, टंग से और दूसरे जगहों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया एंड वो सेहतयाब होकर के कल डिस्चार्ज होके गए। कितने दिनों तक इनका ट्रीटमेंट था? ये यहाँ पे रहे हैं, 19 तारीख को एडमिट हुए थे और कल डिस्चार्ज हुए हैं, यानी 10 दिन। जो ब्रेन का ऑपरेशन जो आप लोगों ने किया है उसके बारे में बताएं। जी, ये ब्रेन का ऑपरेशन ये हमारे डॉक्टर एस आई सादिक साहब हैं, ही इज़ अटैच्ड टू बांगूर हॉस्पिटल, न्यूरोसर्जन हैं, इन्होंने किया था एंड ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी ज़ुबानी सुने क्या ये है। मेरा नाम डॉक्टर एस आई सादिक है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी बांगूर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस SSKM हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ और यहाँ पे भी ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ से भी अटैच्ड हूँ। लास्ट 23 तारीख को हम लोगों ने एक नदिया डिस्ट्रिक्ट के एक पेशेंट, इसका नाम था कौसर कायल, 48 साल उम्र है उनका और उनके ब्रेन के दाहिने हिस्से में एक ट्यूमर था जिसको वो बोलते हैं मेनिंजोमा, राइट फ्रंटल मेनिंजोमा, उसकी ऑपरेशन हुई यहाँ पे और अल्लाह का रहमत है सब चीज़ ठीक ठाक हो गया। इस्लामिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। इस्लामिया अस्पताल से हम और डॉक्टर अनवर जमाल बहुत पहले से अटैच्ड हैं, तकरीबन जब हम लोग पढ़ाई करके यहाँ शुरू किए थे अपना करियर 2000 से, तो उस वक्त माहौल दूसरा था और अभी तो इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, वार्ड और ये सब, यू कैन कंपेयर द फैसिलिटीज़ विद एनी ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। सिर्फ थोड़ा और हम लोग चाहें तो मिलकर इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहली बार ये ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होकर घर जाने वाला है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, सारे इंतजाम सब चीज़ अच्छी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा चीज़ ये स्वास्थ्य साथी के जरिए हुआ है। इतना बड़ा ऑपरेशन आप बाहर कहीं करने जाएंगे दूसरे हॉस्पिटल में बहुत खर्चा आती है, तो बेहतर है कि यहाँ से हम लोग शुरू करें और इसको धीरे धीरे और
आने वाले दिनों में इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा भी मैंने और कई ऑपरेशन किए हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्वाइकल स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस हुआ था एक पेशेंट को, उसको भी लास्ट वीक हमने ऑपरेशन किया और अच्छा रिजल्ट हुआ और ऑपरेशन बहुत बेहतर हुआ है। तो आप लोग दुआ कीजिए, ये इदारा, ये इंस्टीट्यूट सब आप लोगों का है। हम लोग चाहें तो इसको मिलकर और बेहतर बना सकते हैं। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप सभी को सामने आना होगा। सर, ट्यूबरक्लोसिस को पर्टिकुलर टीबी बोला जाता है, जो आम भाषा में जो इंसान समझ सके उसके बारे में। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जो कि कमज़ोर आदमी को होता है। जब आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो वो फ्लेयर अप होते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, फेफड़े में ज़्यादा कॉमन होता था। तो हम जो इस पर डील करते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके, इनका रीढ़ की हड्डी का तीसरा और चौथा हड्डी पूरा गल चुका था और वो जा करके स्पाइनल कॉर्ड को चाँप रहा था जिससे हाथ पाँव में कमजोरी आ रही थी। उस जगह को निकाल के हम लोग वहाँ मशीन बैठाए हैं और पेशेंट को रिकवरी हुआ है। उसका सारा इंतज़ाम भी यहाँ पे स्वास्थ्य साथी के जरिए हुआ है। ये पेशेंट ये आपका यहीं आसपास ही रहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं। एक छोटा सा कोई बच्चा है जिस इस तरह के मतलब बीमारियों से अगर है वो, तो क्या बच्चे के लिए भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है? बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग और थोड़ा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि बच्चा बहुत क्रिटिकल होता है। उसके लिए न्यूनेटल ICU लगता है, बच्चा का सारा मॉनिटरिंग लगता है, पीडियाट्रिक यूनिट होना चाहिए। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह ये सब इंतजाम हो जाएंगे। फिलहाल इस्लामिया हॉस्पिटल के तमाम अराकीन का क्या सोच है कि उनको किस तरह से और आगे बढ़ना है, क्योंकि लोगों का बहुत ही ख़राब जो है इम्प्रेशन रहा है हाल ही दिनों में, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये इदारा, ये इंस्टीट्यूट काफ़ी पुराना और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है। हम लोग जब बचपन में थे तब से नाम सुन रहे हैं इनका। तो इसको बेहतर बनाने के लिए आप सबको सामने आना होगा। दूर से उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन रह करके काम करना और उसमें इम्प्रूवमेंट करना, ये असल मकसद है। आप ही का इंस्टीट्यूट है, बेहतर होगा तो आपको ही फ़ायदा होगा, हम सबको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इस्लामिया हॉस्पिटल में अभी क्या क्या सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं, थोड़ा सा ये खुलासा करके डिटेल्स? तो इसके बारे में सुपरिटेंडेंट सब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड हमको और भी ज़रूरत होगा तो उनसे हम इतला कर देंगे। जो पहला सवाल था, जो अभी इस्लामिया हॉस्पिटल में जो है क्या क्या फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हैं? इस्लामिया हॉस्पिटल में तकरीबन एक हॉस्पिटल को चलाने वाली जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड OPDs हैं डिपार्टमेंट वाइज, इंटरनल लैब सर्विसेज है, एक्सरे अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, इकोकार्डियोग्राफी अवेलेबल है, ECG अवेलेबल है, CT scan अवेलेबल है, इंक्लूडिंग NGO किया जा सकता है। और इसको फर्दर अपग्रेडेशन के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको और किस तरीके से और नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके, मशीन को और फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ERCP का फैसिलिटी अवेलेबल है, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी का फैसिलिटी अवेलेबल है, मॉड्यूलर OT है। बहुत सारे जगहों पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे मॉड्यूलर 3 मॉड्यूलर OT हम लोगों के पास काम कर रहा है इस वक्त। और टोटल डेडिकेटेड स्टाफ है, इन हाउस एडमिशन है, अराउंड 31 बेड का ICU अवेलेबल है, अराउंड फंक्शनल 50 बेड का जनरल बेड अवेलेबल है। डेडिकेटेड एक डेंगू का हम लोगों ने एक सेक्शन बना दिया है एंड स्टिल वी हैव स्पेस लेफ्ट और बेड्स और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि अगर हम लोगों के पास सडन लोड आ गया तो हम लोग इमीडिएटली एक्सपैंड कर सकते हैं। डेंगू का कोई पेशेंट अगर बच्चा है, माइनर है, उसके लिए क्या आवश्यकता है? बच्चों के लिए अभी हम लोगों के पास पूरा डेडिकेटेड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिशियन और डेडिकेटेड पीडियाट्रिक एसोसिएटेड MO की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग नहीं। और बहुत सेंसिटिव इशू होता है, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो हम लोग अभी उसको नहीं ये कर पा रहे हैं। हम लोगों का काम चल रहा है, ग्राउंड वर्क चल रहा है, वी आर इन टॉक्स विथ वेरियस पीडियाट्रिशियन और हम लोग दूसरे MO से भी ये कर रहे हैं कि हम लोग इसको किस तरह से जल्द एक्सपैंड कर सकते हैं। सर एक ऐसा है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे कैथ लैब का इंतज़ार काफ़ी दिनों से हो रहा है, हाल ही में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं
जो हार्ट के अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो चाहे इस्लामिया हॉस्पिटल में ऐसे क्या बड़े बड़े हार्ट के डॉक्टर आ रहे हैं कि जिससे पेशेंट दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सके ओपीडी में? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया वो इंतज़ाम जल्दी ही वो इंतज़ार ख़त्म होने वाली है। आने वाले हफ्ते में ही इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं हम लोगों की मशीन कैथलैब हॉस्पिटल में एंट्री हो जाएगा। उसके इंस्टॉलेशन में जो भी समय लगे, इंस्टॉलेशन के बाद चीज़ें स्टार्ट कर जाएंगी। हम लोग बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से सारा डिस्कशन चल रहा है, इंक्लूडिंग डॉक्टर कुणाल सरकार से बात चल रही है, एंड हम लोग सारी चीज़ें देखिए। आज इस्लामिया हॉस्पिटल में हम लोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, इसका मकसद एक ही है, क्योंकि हम लोग आज देख रहे हैं कलकत्ता उसके आसपास पे डेंगू के लिए जो अभी बेड के लिए जो क्राइसिस या कोई हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ न्यूज़ सुनाई दे रहा है। किंतु कल आप लोग परसों हम लोग का जो मेयर साहब है माननीय फिराद हकीम साहब, उन्हें कलकत्ता कॉरपोरेशन में एक प्रेस मीट किया था जी, हम लोग इस्लामिया में डेंगू पेशेंट एडमिट करेंगे, तो हम लोग उसके लिए पूरा पूरी तैयार है, हम लोग रेडी है कि कोई भी डेंगू मलेरिया कोई डिजीज़ का पेशेंट हम लोग यहाँ पर शास्त्रो शाती में एडमिट करेंगे और यहाँ पर हम लोग उनको बेहतर ट्रीटमेंट देंगे। हम लोग के पास अभी 18 आइसोलेटेड आईसीयू ऑलरेडी रेडी है, 50 डेंगू के लिए 50 बेड हम लोग का जनरल आइसोलेटेड जनरल वार्ड भी हम लोग का पूरा रेडी है। हम लोग के पास सफिशेंट बेड मैनेजमेंट, हम लोग का स्टाफ, हम लोग पूरा रेडी है, क्योंकि डेंगू एंड मलेरिया के लिए ऐसा कोई नहीं हो कि बाहर में ऐसा जो न्यूज़ दिखा दे आप लोग दिखा रहे हैं जे डेंगू के लिए मीडिया, नहीं नहीं मीडिया जो दिखा रहा है जी डेंगू के लिए बेड नहीं मिल रहा है कलकत्ता में, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग पूरा पूरी इस्लामिया अभी रेडी है आप लोग के लिए, कोई भी पेशेंट कभी 24/7 हम लोग इमरजेंसी सर्विस देने के लिए इस्लामिया हॉस्पिटल का सब स्टाफ डॉक्टर, हम लोग का मैनेजमेंट, हम लोग का सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी साहब आज प्रेजेंट नहीं है, बाहर में जो कोई काम के लिए हुए हैं, हम लोग पूरा पूरी उनका परमिशन उनका सपोर्ट लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो हम लोग पेशेंट लेने के लिए पूरा तैयार है। अच्छा, जिसके पास शास्त्र साथी कार्ड नहीं होगा वो क्या करेंगे? देखिए, जिसके पास शास्त्र साथी कार्ड नहीं होगा हम लोग का के लिए। जी जी, हम लोग ऑलरेडी एक बात आगे भी कहा है, जब इस्लामिया शुरू हुआ है उसके बाद भी हम लोग बोल रहे हैं जी, बहुत सारा पेशेंट का शास्त्र साथी कार्ड जिसका बना नहीं है, उन लोग अभी यहाँ पर एडमिट हो जाइए, हम लोग उसका पूरा पेपर रेडी कर देंगे और हम लोग का कलकत्ता का मेयर एंड माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेल्प डेस्क जो है, जो शास्त्र साथी डेस्क है, वो कलकत्ता कॉरपोरेशन के अंडर में रॉक्सी सिनेमा हॉल में बना हुआ है, हम लोग वो पेपर रेडी कर देंगे उस पेशेंट को, उन लोग डायरेक्ट कलकत्ता कॉरपोरेशन का उस पर्टिकुलर शास्त्र साथी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर कार्ड बन जाएगा, ठीक है। वो मेयर साहब ने भी बताया है, हम लोग का सेक्रेटरी भी आगे बताया है, हम लोग भी ये पूरा हेल्प वो पेशेंट पार्टी को या पेशेंट को हम लोग कर देंगे। डेंगू के अलावा और इस्लामिया अस्पताल किस तरह का इम्प्रूवमेंट लाएंगे? देखिए, हम लोग का ऑलरेडी लास्ट 1.5 साल हो गए हम लोग का हॉस्पिटल चालू होने में, यहाँ पर हम लोग जनरल सर्जरी मेडिसिन बहुत बहुत बड़ा बड़ा ऑपरेशन आज लास्ट 2 मंथ में हम लोग किया है। जैसे मेरा आपका डॉक्टर लोग है, न्यूरो सर्जन डॉक्टर एसआई सादिक सर है, मेरा सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनवर जमाल है, इन लोग आपको बताएगा जी लास्ट 2 मंथ में हम लोग कितना बड़ा बड़ा आपका ओटी हम लोग यहाँ पर किया है। ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पर जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, आपका यूरोलॉजी सब कुछ डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी, यहाँ पर डायलिसिस भी हो रहा है, पर मंथ हम लोग 300+ डायलिसिस हम लोग कर रहे हैं शास्त्र साथी कार्ड के थ्रू, ठीक है। और जो जो ट्रीटमेंट हम लोग आगे, आप लोग जानते हैं जो हम लोग का इस्लामिया में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट मंथ से हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है, मशीन भी ऑलरेडी ऑन द वे, हम लोग का इंस्टॉलेशन पूजा के आगे या पूजा के बाद शुरू हो जाएगा और बहुत सारा कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर ओपीडी करेंगे बहुत कैथलैब में, और हम लोग टोटली शास्त्र साथी के ऊपर हम लोग वो ट्रीटमेंट देंगे। ये लोग जो भी अभी भी जिसका कोई कार्डियोलॉजी इशू है, हम लोग का ओपीडी चालू है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, हम लोग उसके लिए रेडी है। तो इन द पैनल
लंच टाइम में भी डेंगू को लेकर के इस्लामिया अस्पताल ने कदम उठाया था, मगर बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई थी कि चार्ज ज़्यादा लिया जा रहा है। देखिए शास्त्रो शास्त्री में कोई पेशेंट रहेगा यहाँ पर तो हम लोग चार्ज का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट शास्त्रो शास्त्री में ICU एंड जनरल बेड के लिए पैकेज देता है, जो पैकेज हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर चला रहे हैं। बहुत सारा आज मेरा हॉस्पिटल में 60-65 पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, सबके उसके 95% पेशेंट मेरा शास्त्रो शास्त्री है। देखिए कोई आपको एलिगेशन लगा सकता है किंतु उसका कोई एविडेंस आप हमको नहीं दिखा पाएंगे। कोई भी कंप्लेन आएगा जो हमारा हॉस्पिटल में आपका शास्त्रो शास्त्री के ऊपर पैसा ले रहा है या कोई ऐसा जो टेस्ट है जो मेरे यहाँ पर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाहर से आप करा लीजिए या जो भी इशू है वो लोग कराता है। उसके लिए आपको शायद कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेन आएंगे तो हम लोग, हमारा मैनेजमेंट, मेरा सेक्रेटरी, मेरा सुपरिटेंडेंट सब है, उसमें हम लोग एक्शन लेंगे।